आज भगवान बागेश्वर बालाजी की मंगलमय कृपा, हनुमान जी के चरणों का आशीर्वाद, यज्ञ नारायण की है तपोभूमि, जहाँ भव्य और दिव्य यज्ञशाला के अंतर्गत में यह नवकुंडी सतचंडी महायज्ञ हो रही। सभी आचार्य बनारस से, कुछ कहीं से, कुछ कहीं से आचार्य आए हैं। कल रात से हम छत्तीसगढ़ का ही भात खा रहे हैं। कल प्रातः काल कामाख्या में थे, माँ कामाख्या के दर्शन करके रात को रायपुर आ गए। प्रातः काल हम कवर्धा गए, तो कवर्धा में वहां मंदिर का भूमि पूजन किया। फिर कांकेर से हमारा पुराना लगाव है, खूब 2014 या 15 में हम कांकेर आए थे। 14 में, अच्छा तो ध्यान है ठटरी के बारे हम भूल गए ना कटा हम आए थे। तब से ही बड़ा भाव था, बीच में खूब यात्रा में हम व्यस्त रहे। कांकेर के लोगों से हम मिलते जरूर रहे, सब लोग आते रहे, यहाँ के डॉक्टर मैन सब लोग, यहाँ के पुराने लोग, बाबा भी हैं, यहाँ के सांसद हैं, बड़े सनातन का काम कर रहे हैं बाबा, सब लोग हैं। तो हम जुड़ते रहे, सबसे मिलते रहे, पर व्यस्तता खूब थी। इस तरफ कांकेर से और छत्तीसगढ़ से हमारा बड़ा लगाव है। कवर्धा, कांकेर, जगदलपुर और धमतरी, उस तरफ भौरमदेव, दंतेश्वरी, जतमई, घटारानी। सौभाग्य है कि आपके पूर्वज आज अपने आप में ऊपर बैठे बैठे धन्य मना रहे होंगे कि हमारे वंश में एक ऐसी बेटी बेटा जाया है जिसने यज्ञ की आहूतियां देकर के उन पूर्वजों को भी धन्य किया हुआ है। और दर्शन वाले भी बड़ा भाग्यशाली हैं, जो यज्ञ में नहीं भी हैं उनके भी पूर्वज ऊपर जय जय कर रहे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और एक दिवस की यात्रा पर हैं, कल हमको यहाँ से दिल्ली होते हुए राजस्थान पहुँचना है। माँ भुवनेश्वरी भगवती के दर्शन हो गए, शनिदेव भगवान के भी हमने दर्शन करे। सब प्रसन्न रहो, अच्छे से रहो, हनुमान जी के चरित्र को पकड़ो। और देवता हनुमत से ही, हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। इसलिए हमको किनके चरण पकड़ना है? अपने बजरंगबली किसी से कम नहीं।